नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। भौतिक विज्ञान पाठ 8 गति के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारी चर्चा की कौन कौन से बिंदु हैं। आज हम सबसे पहले पिछली कक्षाओं में जो आपने गति की अवधारणा को पढ़ा उसके विषय में, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, पुनरावलोकन करेंगे कि गति क्या होती है। उसके बाद गति की सामान्य परिभाषा क्या होती है उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम गति के प्रकार, कि ये जो गति होती है ये कितने प्रकार की होती है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद एक समान गति और असमान गति इसका अध्ययन करेंगे कि एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं। उसके पश्चात बच्चों हम दूरी तथा विस्थापन के विषय में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। और उसके बाद गति की दर का मापन, जिसमें हम चाल की परिभाषा और चाल के मात्रक, किस प्रकार से हम चाल का मात्रक निकालते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बच्चों हम औसत चाल के विषय में जानेंगे और अंत में आंकिक उदाहरण के द्वारा हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं। और जो आपने पीछे अभी तक गति के विषय में पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में जो आपने गति के विषय में पढ़ा है, उन सारी चीजों को रिकॉल करते हैं, पुनरावलोकन उसका करते हैं। तो आप देखते हैं बच्चों कि हमारे चारों तरफ हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। कुछ वस्तुएं विराम अवस्था में होती हैं और कुछ वस्तुएं गतिशील अवस्था में होती हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये कुर्सी है, ये बॉल है, ये चींटी है, मछली है, बाइक है, चिड़िया है, इस प्रकार की चीजें आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। उसके अलावा और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे मार्कर हुआ, डस्टर हुआ, बेड हुआ, अन्य चीजें। अगर हम इन चीजों को देखें जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं, तो अगर हम बात करें इसकी, तो कुर्सी अगर किसी जगह पे किसी समय रखी हुई है और कुछ समय के पश्चात हम देखें कि वो वहीं पे रखी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस अवस्था में है बच्चों, विराम की अवस्था में है या विराम अवस्था में कुर्सी रखी हुई है। उसी प्रकार से क्रिकेट की बॉल अगर कहीं पे रखी हुई है काफी देर तक, है ना, कुछ समय के पश्चात भी वो वहीं पे रखी हुई है, तो हम कहेंगे कि विराम अवस्था में है। लेकिन जैसे ही क्रिकेट के मैदान में किसी बॉलर के द्वारा उसको घुमा के जब फेंका जाता है, तो उस समय जो क्रिकेट की बॉल होती है वो गतिमान अवस्था में होती है। उसी प्रकार से चींटी है, अगर किसी समय मान लिया कि ये बिंदु ए पर है और कुछ समय के पश्चात मान लिया कि ये बिंदु बी पर टी समय के पश्चात पहुंच जाती है, उसी प्रकार से अगर किसी बिंदु सी पर पहुंचती है, किसी अन्य समय पर पहुंचती है, तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ ये जो चींटी है ये क्या कर रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। अभी ए पे थी, फिर बी पे, फिर उसके पश्चात सी पे, इस तरीके से समय के पश्चात उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि वो गतिशील अवस्था में है। उसी प्रकार से इन सब चीजों को देख के, चिड़िया, बाइक, मछली, इन सब चीजों को देख के, या हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उन सबको देख के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं विराम अवस्था में हैं और कौन सी वस्तुएं गति की अवस्था में हैं। उसके साथ साथ बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में तीव्र तथा मंद गति के विषय में भी पढ़ा है। तीव्र और मंद गति की अगर हम बात करें, तो अगर हम जो वाहन है हमारे चारों तरफ जो दिखाई देते हैं, जैसे कार हुई, बाइक हुआ, साइकिल हुई, अगर हम इन तीनों चीजों को, तीनों को एक सीधी रेखा में खड़ी करें और किसी एक निश्चित समय पे हम तीनों को चलने के लिए कहें, तो हम थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं कि ये हो सकता है कि कार सबसे आगे निकल गई हो, बाइक उसके पीछे हो और साइकिल सवार सबसे पीछे हो। तो हम अगर किसी जगह पे खड़े होके देखें तो हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु तेज गति से चल रही है और कौन सी धीमी गति से चल रही है। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि कोई वस्तु चल रही है तो कौन सी तीव्र गति में है और किसकी गति क्या है, मंद है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन है,
या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि गति की सामान्य परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। गति, जिसे कि हम लोग मोशन भी कहते हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। जैसे मोटरसाइकिल, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं आदि। तो यदि कोई वस्तु क्या कर रही है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। जैसे मान लिया कि कोई वस्तु बिंदु A पे है, T समय के पश्चात या T1 समय के पश्चात वो बिंदु B पे पहुंच जाती है, और फिर T2 समय के पश्चात वो बिंदु C पर पहुंच जाती है। वस्तु एक ही है, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है उसकी स्थिति बदल रही है। पहले पॉइंट A पे था, फिर पॉइंट B पे पहुंच गया, फिर पॉइंट C पे पहुंच गया, और इस तरीके से ये चलती ही जा रही है। तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है, या फिर वस्तु गति कर रही है। अगर गति के प्रकार की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गति के तीन प्रकार आपको यहाँ बताए गए हैं। वैसे गतियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन तीन यहाँ मुख्य प्रकार आपको बताए गए हैं और दिखाई दे रहे हैं आपको। सबसे पहला है सरल रेखीय गति, दूसरी है वृत्तीय गति, और तीसरी है दोलनी गति। इसके अलावा भी बहुत सारी गतियाँ होती हैं बच्चों, जैसे घूर्णन गति, जैसे प्रक्षेप्य गति, जैसे आवर्ती गति, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी गतियाँ होती हैं। आपको मुख्य रूप से इस अध्याय में और आपको अपने कोर्स में सरल रेखीय गति का अध्ययन करना है, और इसके साथ साथ हम वृत्तीय गति और दोलनी गति के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आइए सबसे पहले सरल रेखीय गति की अगर हम बात करें, तो सरल रेखीय गति दो प्रकार की होती है। इसको दो भागों में पुनः बांटा गया है। पहला होता है एक समान गति, एक समान गति, और दूसरी होती है असमान गति। तो सरल रेखीय गति की अगर हम बात करें, तो सरल रेखीय गति को भी दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार की होती हैं। पहली है एक समान गति और दूसरी है असमान गति। इसको हम विस्तृत रूप से इसी भाग में पढ़ेंगे। दूसरा जो आप वृत्तीय गति यहाँ पे देख रहे हैं, वृत्तीय गति का मतलब यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसकी जो गति होगी उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। उसी प्रकार से दोलनी गति क्या होती है बच्चों, यदि कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर या फिर उधर, मतलब दाहिनी ओर या फिर बाईं ओर गति कर रही है, तो उसकी गति को हम लोग दोलनी गति कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो घड़ी के जो लोलक होता है, इसकी अगर हम गति की बात करें तो ये क्या होता है, अपनी माध्य स्थिति के इधर जाता है, फिर उसके बाद पुनः माध्य स्थिति में आता है, उसके पश्चात पुनः फिर ये इधर आता है, और फिर अपनी माध्य स्थिति में इस प्रकार से गति करता रहता है। तो घड़ी के लोलक की जो गति है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। और वृत्तीय गति का एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें, तो अगर कोई इस तरीके से वृत्तीय पथ है और इस वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति कर रही है, तो उसकी जो गति होगी वो क्या होगी, वृत्तीय गति होगी। आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है। जैसे कि आप नाम से ही यहाँ पे जान रहे हैं, सरल रेखीय गति, या फिर एक सीधी, सरल का मतलब सीधी रेखा में, तो सरल रेखीय गति का मतलब एक सीधी रेखा में गति। तो देखिए, गति का सबसे साधारण जो प्रकार है वो कौन सा है, वो सरल रेखीय गति है। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल या फिर यहां पे हम समझते हैं इसके द्वारा। मान लिया कि ये एक सीधी रोड है, इस रोड पे आप देख रहे हैं ये कई चिन्ह बने हुए हैं, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से ये किलोमीटर में ये चिन्ह बने हुए हैं। अगर इस रोड पे कोई कार
चलती है, एक सीधी रोड है, इस रोड पे अगर कोई कार चल रही है तो हम कहेंगे कि जो कार की गति है वो सरल रेखीय गति होगी। अगर कोई साइकिल चल रही है इसी सीधी रोड पे, तो भी हम क्या कहेंगे कि साइकिल की जो गति है वो क्या होगी, एक सरल रेखीय गति होगी। मतलब कि अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति जैसे कि अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं, ये दो प्रकार की होती है। तो आइए अब हम देखते हैं एक समान गति और असमान गति, जो कि सरल रेखीय गति के ही प्रकार हैं। तो एक समान गति को हम समझते हैं, पहले क्या होती है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। मतलब कि समान समय अंतराल में क्या होगी, वस्तु समान दूरी तय करेगी तो उसकी जो गति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। एक टेबल है, इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक समान गति किसे कहते हैं। ये किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी दिखाई गई है और यहाँ पे उस वस्तु के द्वारा लिया गया समय की बात की जा रही है। ये 5 बजे, ठीक 5 बजे की बात हो रही है। ये 5:10 पे, फिर 5:20 पे, फिर 5:30 पे, ये समय अंतराल है। आप देख रहे हैं कि 10-10 मिनट का यहाँ पे समय अंतराल है। और वहीं पे अगर हम बात करें वस्तु के द्वारा चली गई दूरी की, तो ठीक 5 बजे वस्तु ने 0 मीटर की दूरी तय की, अगर तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है, उसने अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ही 5:10 मतलब 10 मिनट टाइम होता है, वस्तु 20 मीटर की दूरी तय कर लेती है। उसके पश्चात पुनः 10 मिनट पे वस्तु 40 मीटर दूर चली जाती है। पुनः 10 मिनट पे वस्तु 60 मीटर, मतलब मूल स्थिति से वो 60 मीटर दूर चली जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे 10-10 मिनट का टाइम इंटरवल हो रहा है, वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी है, आप देख रहे हैं पहले 10 मिनट में 20 मीटर, फिर दूसरे 10 मिनट में 20 मीटर, फिर तीसरे 10 मिनट में वो 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की जो गति होगी इसे हम लोग एक समान गति कहते हैं। नाउ दूसरी चीज, असमान गति क्या हुई? बिल्कुल इसका उल्टा। यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो वस्तु की गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। इस टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वस्तु ठीक 5 बजे विराम अवस्था में थी, मतलब उसके द्वारा कोई भी दूरी तय नहीं की गई, 0 मीटर। 5:10, जैसे ही 10 मिनट का टाइम हुआ, 10 मिनट में उसने 40 मीटर की दूरी तय कर ली। 5:20 पे अगर हम देखें तो वो अपनी मूल स्थिति से 50 मीटर दूर है, मतलब 40 से 50, 10 मीटर की दूरी उसने तय की। और पुनः अगर हम 10 मिनट और आगे देखें, 5:30 पे, तो वो वस्तु आप देख रहे हैं कि वहीं रुकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ी है, मतलब उसने आगे की और कोई भी दूरी तय नहीं की है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि समय अंतराल यहाँ पे भी समान है, 10-10 मिनट का समय अंतराल है, लेकिन वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। पहले उसने 40 मीटर की दूरी तय की, दूसरे 10 मिनट में उसने सिर्फ 10 मीटर की दूरी तय की, और तीसरे 10 मिनट में वो वहीं की वहीं है, उसने कोई भी दूरी तय नहीं की। तो आप देख रहे हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर रही है वस्तु, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहेंगे असमान गति। जैसे एग्जाम्पल, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार की गति को हम असमान गति के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। और एक समान गति के उदाहरण की अगर हम बात करें तो सीधी रेखा में समान चाल से चल रहे किसी कण की गति को समझा जा सकता है। तो आपने देखा कि सरल रेखीय गति के दो प्रकार, एक समान गति और असमान गति। अब हम दूरी तथा विस्थापन के विषय में समझते हैं कि ये क्या होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को
उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए पाथ की जो कुल लंबाई होगी उसे हम लोग वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहेंगे। जैसे मान लिया कि ये वस्तु इस सीधी रेखा पर बिंदु O से चलना शुरू करती है, आप यहां देख रहे हैं ये बिंदु O है, O से चलना शुरू करती है और ये बिंदु A तक चलती है। आप देख रहे हैं कि ये टोटल यहां पे ये किलोमीटर में ये कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं और A तक टोटल जो है 60 किलोमीटर है। तो बिंदु O से चलना कोई वस्तु शुरू करती है, A तक पहुंचती है और A से पुनः वो वापस आती है और B पे आके वो रुक जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दूरी की कि वस्तु ने टोटल कितनी दूरी तय की, तो आप देख रहे हैं O से A तक के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और A से B तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूंकि 5-5 का डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और तो टोटल ये O से A तक 60 किलोमीटर और A से पुनः वापस आई B तक तो ये आप देख रहे हैं 25 किलोमीटर है। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो आप देख रहे हैं 85 किलोमीटर हो गई। तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया जो कुल पाथ होगा उस पाथ की लंबाई को हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो टोटल वस्तु के द्वारा जब O से A तक गई, A से B तक आई तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, 85 किलोमीटर हो गई। यहाँ पे एक चीज और समझना है कि दूरी एक अदिश राशि है और इसके साथ साथ दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है और उसके साथ साथ दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विस्थापन। विस्थापन क्या है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है आपको, न्यूनतम दूरी। तो किसी भी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर कोई वस्तु मान लिया बिंदु ए पे है, ए से ये चलना शुरू करती है, बी पे पहुंचती है और ए से बी तक के बीच की दूरी मान लिया 20 किलोमीटर है, बी से चलना शुरू करती है फिर इधर 10 किलोमीटर ये चलती है और बिंदु सी पर पहुंच जाती है। तो अगर हम बात करें दूरी की तो आपने जैसे ऊपर पढ़ा है टोटल उस वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो तो 20 प्लस 10 30 किलोमीटर हो गई। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो वस्तु ए पे थी और सी पे पहुंच गई, तो ए और सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो ये होगी एसी। तो जो एसी होगा ये आपका क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं किसी भी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, अभी आपने दूरी के विषय में पढ़ा, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर दूरी और विस्थापन में अंतर पूछा जाए तो हम किस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दूरी और विस्थापन जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अंतर पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप टेबल बना के इसके अंतर को दिखा सकते हैं। तो दूरी में सबसे पहले दूरी की परिभाषा आप देख रहे हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। और विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले परिभाषाओं के द्वारा इनके अंतर को स्पष्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कि इसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की जरूरत होती है। और परिमाण का मतलब जैसे अभी हमने कहा था कि दूरी 85 किलोमीटर उसने तय की, तो ये जो 85 है ये होता है आंकिक मान और किलोमीटर है ये है इसकी इकाई।
तो इन दोनों को मिलाकर बनता है परिमाण। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है और इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ सदिश का मतलब सदिश मतलब दिशा की भी जरूरत होगी। तो विस्थापन एक सदिश राशि जबकि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है तथा शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। इसका मात्रक मीटर होता है और इसका भी मात्रक एसआई यूनिट मीटर होती है। तो इस प्रकार से आप दूरी तथा विस्थापन में अंतर को बता सकते हैं। चाल की अगर हम परिभाषा देखें तो आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर, आप शायद इसको पीछे पहले भी पढ़ चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मतलब अगर हम इस फॉर्मूले के द्वारा देखें तो किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर समय एक सेकंड ले लें तो आप देख रहे हैं कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। मतलब एक सेकंड में किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वही वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और चाल का मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक बराबर, आप देख रहे हैं फार्मूला दूरी बटे सेकंड है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके पश्चात औसत चाल आप देख रहे हैं, जैसे अभी आपने चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा, उसी प्रकार से औसत चाल किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। मतलब कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा वो वस्तु की क्या होगी, औसत चाल होगी। तो औसत चाल बराबर अगर हम फार्मूले की बात करें तो तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि या कुल समय। मतलब किसी भी वस्तु को कोई दूरी तय करने में जितना भी समय लगा होगा और उस वस्तु ने टोटल जितनी दूरी तय की होगी उस दूरी को कुल समय से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वस्तु की औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। अब एक आंकिक प्रश्न के द्वारा औसत चाल को हम समझते हैं बच्चों, कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। मान लिया कि ये वस्तु है, ए से चलना शुरू करती है और बी तक पहुंचती है, इसके द्वारा चली गई दूरी मान लिया 16 मीटर है और समय कितना है, 4 सेकंड है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। मतलब बी से फिर मान लिया सी तक गई, ये भी दूरी कितनी है, 16 मीटर है, लेकिन समय कितना लगा, 2 सेकंड लगा। तो कह रहा है कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी। आप पीछे पढ़ चुके हैं औसत चाल का फार्मूला, औसत चाल बराबर होता है वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो अगर हम कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी आप देख रहे हैं 16 मीटर प्लस 16 मीटर, और कुल समय की अगर हम बात करें तो यहां आप देख रहे हैं 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो टोटल हो गया आपका 32 मीटर और नीचे आ गया 6 सेकंड। तो 32 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 5.33 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु की जो औसत चाल हो जाएगी वो कितनी होगी, 5.33 मीटर प्रति सेकंड, ये वस्तु की औसत चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वस्तु की औसत चाल निकाल सकते हैं। और आपको बच्चों ये छोटा सा होमवर्क करना है, अभी आपने पढ़ा है कि गति की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले आपको गति को परिभाषित करना है, उसके बाद चाल से आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना है और इसका मात्रक लिखना है। उसके पश्चात तीसरा जो प्रश्न है, एक समान गति से आप क्या समझते हैं इसके विषय में आपको बताना है, और आखिरी औसत चाल का सूत्र लिखिए, ये अभी आप इस भाग में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको इस होमवर्क को कर लेना है। और इस प्रकार की अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल को